गुड आफ्टरनून माय डियर कलीग्स, ये आज कुछ जूम के सेटिंग पे एक वीडियो बना रहा हूँ। आप जरा इसको ध्यान से देखें और ये सेटिंग अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में करने की कोशिश करें। सो करने से आपके क्लास में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं समझता हूँ उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आप किसी मीटिंग को शेड्यूल करते हैं तो हमेशा आपके साथ एक प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे गलत नाम से एंट्री कर लेते हैं। तो गलत नाम से एंट्री कर लेते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है आपके पास कि आप सबसे पहले अपने आप को ड्यूरिंग एडमिशन, जब आप बच्चे को एडमिट करते हैं तो उसी वक्त आप अलर्ट रहें। अलर्ट रहेंगे आप तो बच्चे आपके क्लास में गलत नाम से एंट्री करने वाला बच्चा आएगा ही नहीं। और जब गलत नाम से करने वाला बच्चा आएगा ही नहीं तो आपका मीटिंग आराम से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इन दैट केस अगर बच्चा आ जाता है तो आपको कुछ सेटिंग करना होगा उसके पहले ही, जिससे बच्चा आके आपके साथ कुछ छेड़खानी ना कर सके। आप जब कुछ किसी मीटिंग को शेड्यूल करते हैं तो इस तरीके से आपका शेड्यूल का लिस्ट आता है। इसमें कुछ सेटिंग है, ये जो लैपटॉप का इस्तेमाल करके जो टीचर पढ़ाते हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो टीचर पढ़ाते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें जो लोग केवल मोबाइल का इस्तेमाल करके वीडियो बनाते हैं, इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर जब मीटिंग शुरू करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आता है स्टार्ट, कॉपी, इन्विटेशन और एडिट आता है। तो एडिट पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा एडिट मीटिंग। एडिट मीटिंग में क्या करना है आपको, हमेशा यहाँ से एक ऑप्शन है वीडियो ऑप्शन है। वीडियो में होस्ट का वीडियो ऑन रखेंगे और पार्टिसिपेंट का वीडियो क्या करेंगे, ऑफ रखेंगे। होस्ट का वीडियो ऑन और पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑफ रहेगा। अगर आप कुछ एडवांस सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है इनेबल वेटिंग रूम। ये इनेबल वेटिंग रूम आपको करना है, क्योंकि अगर इनेबल वेटिंग रूम नहीं करेंगे तो आप बीइंग ए होस्ट, आपके होस्ट बनने से पहले ही बच्चा आपके यूजर नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, आपके मीटिंग को ओपन कर सकता है और मीटिंग में पहले से ज्वाइन हो सकता है। ये आप क्या करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। ये एक ऑप्शन है इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, ये ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग डिसेबल। वेटिंग रूम इनेबल रहेगा और होस्ट से पहले ज्वाइन करना मीटिंग हो क्या करेगा, डिसेबल रहेगा। ये ऑप्शन आप क्या करेंगे यहाँ पे सेटिंग करके आप रखेंगे ये दो ऑप्शन, तो क्या होगा कि आपका मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से इस सेटिंग को सेव करने के बाद यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, ये मीटिंग का सेटिंग क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, मीटिंग जैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मीटिंग को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। आपका मीटिंग क्या होने लगा, स्टार्ट होने लगा। आपने मीटिंग क्या किया, इस तरह से स्क्रीन आता है, मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, आपका कैमरा आता है, आपका वीडियो भी आने लगता है। कैमरा और वीडियो क्या करते हैं, आपका कनेक्टिंग दिखाता है। और कनेक्टिंग दिखाने के बाद जब एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो नीचे आपके पार्टिसिपेंट लिस्ट वगैरह आएंगे। जो एक बार कनेक्ट हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऑप्शन आते हैं जब वो करके रखना है, जिससे बहुत सारे चैटिंग रोक सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, चैटिंग। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सबसे पहले देखेंगे, बच्चे क्या होते हैं अपने मन से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यहाँ तो सिक्योरिटी ऑप्शन है, यहाँ स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन है। ये ऑप्शन चेक नहीं होना चाहिए, ये अनचेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनचेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनचेक। चैट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। और रीनेम देमसेल्फ, खुद से रीनेम करने का ऑप्शन क्या करते हैं, अनचेक रखेंगे। क्या रखेंगे, चैट ऑप्शन इनेबल रखेंगे, रीनेम देमसेल्फ डिसेबल रखेंगे और शेयरिंग स्क्रीन क्या करेंगे, डिसेबल रखेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से चैट में जाना है। चैट में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक फाइल के नीचे बड़ा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा टू। चैट किसके साथ करना है, एवरी वन इन मीटिंग, सब कोई चैट कर सकता है, एवरी वन मीटिंग। लेकिन किसके साथ, विथ टू होस्ट वनली, किसके साथ, होस्ट वनली। ये आप होस्ट के साथ इसको रखेंगे तो इलीगल चैटिंग आपका कोई नहीं कर पाएगा। दो ऑप्शन मैंने आपको बताया,
सबसे पहले मैंने बताया कि आपको यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग बंद रखना है, रीनेम देमसेल्फ ऑप्शन क्या करना है, बंद रखना है, रीनेम देमसेल्फ ऑप्शन क्या करना है, बंद रखना है, और शेयरिंग ऑप्शन क्या करना है, बंद रखना है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि जब आप चैट पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो आता है आपका चैट का, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको चैट ओनली टू एवरी वन मीटिंग में और टू होस्ट, सिर्फ आप क्या करें होस्ट से ये चैटिंग कर सकता है। अब आते हैं ऑप्शन, जिस ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है आपको, जब आप कभी स्क्रीन को शेयर करते, फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्क्रीन को शेयर किया, तो जैसे एग्जांपल मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से ऑप्शन पूछता है व्हाइट बोर्ड शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करना है, क्या शेयर करना है। स्क्रीन को जब आप शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्क्रीन इस तरह से क्या किया, शेयर किया, जैसे मैंने स्क्रीन को शेयर किया, तो जब स्क्रीन को आप शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो नीचे में ऑप्शन है जो आपको आएंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट होगा सबका नाम आने लगेगा, कौन कौन पार्टिसिपेंट है, सॉरी नंबरिंग आने लगेंगे, कौन कौन नाम है। तो यहाँ से माने स्क्रीन शेयरिंग करते हैं तो बच्चे आसानी से एनोनाइट करते हैं, एनोनाइट एनोनाइट मतलब आपके स्क्रीन पे इस तरह से छेड़खानी करना शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से छेड़खानी कर दिया स्क्रीन पे, आपको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको यहाँ से कहाँ जाना है, एनोनाइट पे जाना है, एनोनाइट में क्लियर ऑप्शन है, क्लियर ऑल ड्राइंग कर देना है, और यहाँ से क्या कर देना है, बंद कर देना है। ये आपका इस तरह से बार बार कोई फिर दोबारा आप जैसे ऑन करते हैं, फिर आपको इस तरह से छेड़खानी कर देता है, फिर आप जाते हैं, फिर मिटाते हैं, ये आपको बार बार करना पड़ता है। इसीलिए आपको एक ऑप्शन है यहीं पर मोर में जाना है, यहाँ ऑप्शन कर देना है डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोनाइजेशन, इसको पे क्लिक करेंगे तो अगली बार जब जाएंगे यहाँ पर तो अलाउ पार्टिसिपेंट टू एनोनाइज, यहाँ पे क्या होगा, एनोनाइज कर नहीं पाएगा, अलाउ पार्टिसिपेंट टू एनोनाइज करने की कोशिश करेगा, जैसे अभी हम तो कर रहे हैं क्योंकि हम होस्ट हैं इसलिए हम कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या होगा दोबारा खुद से नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है अगर इन दैट केस आपने ये इनेबल नहीं किया है, कौन सा बच्चा एनोनाइजेशन कर रहा है, अगर शो एनोनाइट पर क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे शो एनोनाइट नेम पर क्लिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अभी यह हाई एनोनाइट में कौन करेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या करना है आपको शो एनोनाइट को ऑन करके रखना है, क्या करना है शो एनोनाइट को क्या करना है आपको ऑन करके रखना है, तो क्या होगा आपका कोई बच्चा एनोनाइजेशन करता है, कोई बच्चा आपकी स्क्रीन के साथ छेड़खानी करता है, कुछ बनाता है तो आपको क्या हुआ नहीं बना पाएगा। तो ये दो ऑप्शन आपको हमेशा क्या रखना है, एक को शो नेम ऑफ द एनोनाइटर ऑन रखना है और अलाउ पार्टिसिपेंट टू एनोनाइट इसको भी ऑन रखना है। ये ऑन रखेंगे, अगर डिसेबल रखेंगे, अगर आप लोग डिसेबल रखेंगे तो बच्चा एनोनाइट करेगा आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए आप क्या करेंगे अलाउ कर करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि अगर ये दो ये चार जो ऑप्शन है अगर आप इनेबल ठीक से अगर इसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं, पहले प्रॉब्लम कहाँ आता है, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है आपका स्क्रीन के साथ जब आप स्क्रीन को क्या करते हैं बच्चे के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम आता है, स्क्रीन शेयर का प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया, क्या होगा स्क्रीन शेयर का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि आपने क्या किया पहले ही स्क्रीन को शेयर करते वक्त आपने देख लिया कि स्क्रीन शेयर बच्चा ही नहीं कर पाए केवल होस्ट कर पाए वो देख लिया आपने। फिर मैंने बताया जिस वक्त आपको एंट्री ले रहे हैं बच्चे का उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का एंट्री लेते वक्त किस बच्चे का नाम से एंट्री आ रहा है, बार बार आपको पार्टिसिपेंट लिस्ट जाके चेक करना पड़ेगा, एडमिट ऑल नहीं करना है आपको, हमेशा एडमिट करके रखना है ताकि जब एडमिट ऑल करते हैं तो एक ही साथ 5-10 बच्चा ज्वाइन करता है क्या होता है आ जाता है। और एक मेरा अपना प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हर 10 मिनट पे आप अपना क्या कीजिए चेक करते रहिए पार्टिसिपेंट लिस्ट, ये आपको करना होगा। अगर कोई नया बच्चा आ रहा है पार्टिसिपेंट आ रहा है तो अपने क्लास में ही बच्चों से भी पूछिए कि ये बच्चा इस नाम का बच्चा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अच्छा जब बच्चा अपने नाम से आता है सही तरीके से नाम से आता है तो उसका नाम का स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही रहता है, उसका एडमिशन नंबर सही तरीके से मेंशन रहता है, और ये आपको चेक करना होगा। यहाँ पे अपना दिमाग अपना विजडम लगाना होगा, अपना टेक्निक लगाना होगा कि हम कैसे इसको रोकें। एक और तरीका जो है मैंने बीच में डाला था, मैंने बताया था लोगों को कि बच्चे को उसको उसके प्रोफाइल पिक्चर के साथ आना चाहिए, तो बच्चे का प्रोफाइल पिक्चर नहीं होने के कारण भी प्रॉब्लम होता है, बच्चे का प्रोफाइल पिक्चर नहीं होने के कारण, तो कोशिश कीजिए कि बच्चे का प्रोफाइल पिक्चर जो ना है उसको एक क्लास में दो क्लास में समझाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो उसको वेटिंग रूम में आप डाल सकते हैं, वेटिंग रूम ऑप्शन आता है उसको वेटिंग रूम में डाल सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप करके देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं एक मीटिंग अरेंज कर दूंगा
सारे मीटिंग अरेंज कर दूंगा और टीचर्स के साथ जिनको जिनको प्रॉब्लम है वो हमसे डिस्कस करके ड्यूरिंग द जूम क्लास में मैं मीटिंग कंडक्ट करूंगा, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग।